सभा के अंदर आप पधार रहे हैं माननीय अविनाश जी गहलोत। बोले भारत माता की, भारत माता की। बिलाड़ा विधानसभा के बोरुंगा कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी पाली लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री परम सदी पितातुल्य पीपी चौधरी साहब की इस जन समर्थन सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय पीपी साहब, हमारे सोन जी, रूप सिंह जी, बक्साराम जी, जगराम जी, प्रधान जी और सभी यहां उपस्थित मंडलाध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी, पार्टी के दायित्वान कार्यकर्ता बंधुओं, भाई नंदकिशोर जी गर्ग, बिलाड़ एमएलए साहब आज कोई अस्वस्थता कारण पहुंच नहीं पाए इसलिए उनके सुपुत्र भाई नंदकिशोर जी आए हैं और मंच के सामने उपस्थित सभी पार्टी के और यहां इस गोरुंडा कस्बे के नौजवान कार्यकर्ता बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, बोरुंदा कस्बे में आज ये लोकसभा चुनाव की आप लोगों के आशीर्वाद की सभा है जिसमें हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पीपी चौधरी साहब आपसे समर्थन लेने के लिए आए। मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, पार्टी ने मुझे भी कहा कि मैं आदरणीय पीपी चौधरी साहब के साथ बोरुंदा और पिपाड़ की सभा में रहूं तो मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं भाई, ये जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा, हम सबको इस बात के लिए एक राय होकर 26 अप्रैल को आपके जब चुनाव हो तो मैं सोचता हूं कि पिछली बार राजस्थान की 25 की 25 सीट हम लोगों ने जीती थी, उसे पाली भी थी जो लाखों वोटों से आपने जीता था। इस बार भी हमारा संकल्प है कि राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे उससे एक पाली लोकसभा सीट। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने महसूस किया, जो लोगों की बात मैंने सुनी, उसे पहले से अधिक मतों से पाली की लोकसभा सीट भी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपसे इस बात के लिए निवेदन करने के लिए आया हूं कि मित्रों, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। आने वाले 5 सालों में आप लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कहा था, अभी चूरू के अंदर सभा थी, मैं चूरू का इंचार्ज हूं, चूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने 2004 से 2014 तक जो वातावरण देखा था ये तो मात्र एक ट्रेलर था, लेकिन अगर आपको वास्तव में काम देखना है तो 2024 से 2029 का कार्यकाल आप लोग देखना। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला 5 साल पूरे विश्व के अंदर भारत के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा, ऐतिहासिक निर्णयों का कार्यकाल रहेगा। जीत में कोई संशय नहीं, जीत में कोई संकोच नहीं, लेकिन आप लोग इस यश से पीछे मत रहना, अपने अपने बूथ पर। गर्मी का दिन भी रहेगा, शादियों का सीजन भी रहेगा, लेकिन हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को, जिसको नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो ऐतिहासिक पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान भारत का बढ़ाया है, जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की भारत ने, वो उपलब्धियां और आगे बढ़े, भारत विश्व के मानचित्र पर अग्रणी देशों में शामिल हो, इसके लिए 26 अप्रैल का दिन अपने पास में। कोई व्यक्ति अगर सीमा पर जाकर कोई सैनिक के तौर पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति और कहीं जाकर देश की सेवा करने में असमर्थ है, तो 26 अप्रैल लोकतंत्र के पर्व में एक दिन आपके पास में आता चुनाव का, और अपने अमूल्य वोट के आधार पर, धार इतनी तेज होती है आपके वोट की, उससे आपके गांव का वार्ड मेंबर बनता है, सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, और आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री आपके इस वोट से बनता है। इस वोट की कीमत को पहचानो, महसूस करो कि आने वाले समय में बोरुंगा के अंदर किसी कन्हैयालाल टेलर की हत्या दोबारा से नहीं, उस कांग्रेस सरकार में जो हुई थी। आने वाले समय में महसूस हो कि जब यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो आप सारे लोग पटाखे छोड़ोगे, और अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान वाले पटाखे छोड़ेंगे, इस बात को भी आप लोग याद रखना। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया, अभी आपने देखा मुख्तार अंसारी को देखा होगा, अफजल अंसारी को आपने देखा होगा, ऐसे गुंडे माफिया जितने भी लोग थे, मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि जब यूपी में सत्ता बीएसपी का शासन था, हमारी बहन बेटी इसी बाजार में से कहीं निकलती थी, उन गुंडों के कारण से बहन बेटियां इज्जत से निकल नहीं पाती थी। आज वो दौर बीते 10 सालों में खत्म हुआ। देश में मोदी जी के बनने के बाद में
आपने देखो ऐतिहासिक काम हुए, चाहे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का हो, उज्जैन महाकाल का हो, काशी कॉरिडोर का हो, और आपने देखा होगा 11वीं अर्थव्यवस्था भारत, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी के कारण सबसे बड़ी विश्व के अंदर पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन के खड़ी हुई है। और मोदी ने कहा है कि आप मुझे इस चुनाव में समर्थन दो, हमारे एमपी जिताओ यहां से, अगर 2027 तक भारत को विश्व की सबसे तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति खड़ी नहीं कर दूं तो फिर आप मुझे बताना। और 2047 से विकसित भारत का सपना, उससे पहले पहले भारत सैन्य रूप से मजबूत हो, आत्मनिर्भर भारत बने। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलकर जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, आपके यहां से एमएलए एमपी अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर उस भारतीय मान सम्मान राष्ट्रीय अस्मिता के लिए हम लोग काम करें। राजस्थान सरकार का सपना है, पिछले 100 दिन की कार्य योजना का अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि जब से भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 15 दिसंबर को शपथ ली, 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद 100 दिन में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 2% की कमी हुई, वेट के अंदर 5 से 6 रुपए तक भाव कम हुए। ईआरसीपी की योजना 21 जिलों के अंदर, पहले 13 जिले थे, उसके बाद 21 जिलों के अंदर ईआरसीपी की, उसके साथ साथ में 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को भी सिंचाई का पानी मिलेगा। और बिजली के अंदर 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, उसके कारण मैं आज आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस बोरुंदा के बिलाड़ा विधानसभा के प्रत्येक गांव को कृषि की 6 से 8 घंटे बिजली मिलेगी, ग्रामीण की जो डोमेस्टिक है घरेलू बिजली 24 घंटे पूरी बिजली मिलेगी। बिजली और पानी के मामले में आने वाले समय में राजस्थान सरकार का सपना है आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे। यमुना जल का समझौता हुआ हरियाणा सरकार के साथ में, चोरू हुआ, झुंझुनू हुआ, सीकर हुआ, शेखावटी के अंदर, और इस 1 साल के बाद में इस पश्चिमी राजस्थान में पानी की जो मीठे पानी की समस्या है उस पर पूरी ईमानदारी से पूरी मजबूती के साथ में राजस्थान सरकार काम करेगी। ये पहला साल बिजली पानी के लिए है। आज जो पेंशन है वृद्धावस्था की, बुजुर्ग महिलाओं की, बुजुर्ग माताओं की, बड़े बुजुर्ग पेंशन ने 1,000 रुपए से 1,150 रुपए कर दिया। बिजली, ये जो गेहूं का एमएसपी था 2,275 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर दिया। आज मैं जा रहा देखो, प्रधानमंत्री आवास का सपना देखो, शौचालय का सपना देखो, एमएसपी का सपना देखो, रोजगार का देखो, प्रधानमंत्री श्री विश्वकर्मा योजना के अंदर जितना बड़ा काम इन देश के नौजवानों के रोजगार के लिए किया है, इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। आयुष्मान योजना के अंदर विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। आज बोरुंदा का कोई व्यक्ति अगर बाहर रहता राजस्थान के बाहर, इस 5 साल की कांग्रेस सरकार को फायदा नहीं मिलता था, लेकिन आज सरकार हमारी बनने के बाद में आयुष्मान योजना लागू करी। भारत के किसी कोने में अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास में है, उसको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, और हमारी सरकार ने कह दिया 25 लाख रुपए तक का भी इलाज अगर होगा हम लोग मुफ्त के अंदर करेंगे। बिजली, पानी, सड़क के मामले में अगर हम लोग देखें, राजस्थान कभी पीछे नहीं रहेगा। अपराध के मामले में रोकथाम लगाने के का गठन हुआ, नकल माफिया जितने भी थे बोरुंदा के अंदर भी बहुत से ऐसे नौजवान रहे होंगे जिन्होंने रीट का पेपर दिया होगा, थानेदार का पेपर दिया होगा, कांस्टेबल का दिया होगा, डॉक्टर का दिया होगा, लेकिन 19 बार पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक हुए थे। आज आपने देखा होगा कि जितने भी पेपर और एक नकल के लिए रोजी रोटी की कमाई से जो पसीना बहेगा, जो कमाई करेंगे, वो कमाई का पैसा अपने बच्चों के भविष्य पर लगेगा, कोई पेपर लीक नहीं हो पाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद में 2 पेपर हुए, दोनों आराम से पेपर, एक भी माफिया उसके अंदर सैन नहीं लगा पाया। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि बोरुंदा वाले सभी लोग मिलकर 26 अप्रैल को तय करें, निर्णय करें कि हम सब लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, पाली लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे नंबर 1 हम राजसमंद को रखेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर पाली को रखेंगे ताकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो कि बीपी चौधरी ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उस काम की गारंटी मैं आपको देने के लिए आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारा तो विकास की गारंटी है, इस विकास की गारंटी के आधार पर पाली लोकसभा सीट भी जीतेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहा तो आने वाले समय में जो मतों का अंतर है वो जितना अधिक रहेगा, सबसे ज्यादा फायदा आम गरीब किसान लोगों को मिलने वाले इस 2024-29 के कार्यकाल में। तो प्यारे बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, राजस्थान सरकार आपकी है, जन कल्याण की है, गरीब लोगों के लिए है। कभी भी बोरुंदा के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, बीपी चौधरी साहब हम साथ में खड़े रहेंगे। अगर कोई अधिकारी किसी के व्यक्ति के साथ अन्याय करेगा, नाक में नकेल कसने का काम भी हम सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि सुशासन के नाम पर हमारा राजस्थान की सरकार ने निर्णय किया है, हम सब लोग मिल उस गरीब के लिए काम करेंगे जिसके मन में सपना है कि हम सब आने वाले समय में इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, बिलाड़ा को आगे बढ़ाएंगे, बोरुंदा को आगे बढ़ाएंगे,
हो सकता है छोटी मोटी को चूक भी रही होगी हमसे, जब काम करते हैं तब गलतियां भी हो जाती, चूक भी हो जाती है, लेकिन ये जो चुनाव है ये किसी का नफे नुकसान का नहीं है। ये चुनाव तो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आइए मिलकर संकल्प ले, 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मतदान करेंगे, ये विश्वास मैं आप लोगों से लेने के लिए आया हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।